नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे थे जिसका नाम था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके अंदर अभी तक हमने देखा कि हम इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, ये सब्जेक्ट किस चीज़ से डील करता है, और उसके अलावा हमने बात करी थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो अब इसी सीरीज में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की इसी सीरीज में हम आप आगे बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हमने, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जहां हमने बात करी थी कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक साइंटिस्ट थे वॉन न्यूमैन, जिन्होंने 1945 के अंदर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया और वो उन्हीं के नाम से ही जाना गया। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होता है वो स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। अब ये स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल दरअसल होता क्या है, इसके बारे में हमारे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एक चीज आती है आपकी डेटा और एक चीज आती है आपके इंस्ट्रक्शंस। अगर मान लीजिए मैं एक बात करूं, सपोज कीजिए मैंने लिखा 2+3, तो मुझे एक एडिशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है और वहां पर जो मेरा डेटा है वो है आपका 2 और 3, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर आप इस तरीके से देखते हैं C=A+B, कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हमारे को देखने को मिलते हैं कि C=A+B, ये एक इंस्ट्रक्शन है और A एक वेरिएबल है, C एक वेरिएबल है और B भी एक वेरिएबल है। तो मेमोरी के अंदर जब हम कभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जब हम जानते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम जो होता है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर अब अगर मान लीजिए जैसे ये एक सम ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम की अगर हमने बात करी, मान लीजिए हमारे को 2 नंबर थे A और B वेरिएबल के अंदर पड़े हुए थे जिसका हमारे को सम यानी कि एडिशन जो है हमारे को परफॉर्म करना था, मुझे जोड़ जो है वो दिखानी थी और उसको मुझे लेना था सी वेरिएबल के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेमोरी में ए जो वेरिएबल बनाया है वो कहीं ना कहीं मेमोरी में पड़ा होगा, उसकी एक स्पेस पे अलोकेशन होगा, यहाँ पर ए है यहाँ पर भी है इस तरीके से, और ए में हो सकता है 2 हो और बी में हो सकता है 3 हो, तो जो भी उसका एडिशन करेंगे वो रिजल्ट आपका जाएगा। तो ये 2 और 3 ये जो है आपके एक तरीके से डेटा है। तो ये जो डेटा है मेमोरी के अंदर क्या होता है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने क्या बताया था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने बताया था कि जो आपका डेटा है और प्लस इंस्ट्रक्शंस जो है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस ये दोनों एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे, यानी कि एक ही मेमोरी के अंदर जो है ये रहेंगे, रिसाइड करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बात करें कि ये अगर मान लीजिए आपकी मेमोरी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर आपका मैंने बताया कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों ही साथ में रहेंगे। अब जो ये मेमोरी, इसमें हो सकता है डेटा के लिए मेरे पास यहां पर स्टोरेज हो और इंस्ट्रक्शंस के लिए मान लो यहां पर हो, तो ये एक ही मेमोरी जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये हमने एक समझने के लिए बात करी है कि एक सेम मेमोरी के अंदर आपका डेटा भी पड़ा हुआ है और इंस्ट्रक्शन भी पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहता है, वो ये कहता है कि इसको एक्सेस करने के लिए, इसको अगर एक्सेस करना है मुझे सीपीयू के थ्रू या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, मुझे अगर इनको एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस में सिंपल मेमोरी से मैं यहां से सेम मेमोरी में से करूंगा और उनके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर डेटा और जो एड्रेस बस होगी मेरी, डेटा जो कि मेरी बाईडायरेक्शनल बस होती है और एड्रेस बस जो कि यूनिडायरेक्शनल जो बस होती है, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं एक ही कॉमन बस के थ्रू। एक ही यहां पर मेरे पास डेटा बस है बाईडायरेक्शनल बस और एक यूनिडायरेक्शनल बस है मेरे पास जो कि है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस और डेटा बस कॉमन रहेगी चाहे मैं इंस्ट्रक्शन फेच करूं या डेटा फेच करूं। तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल का मतलब ये होता है। तो हम वापस बात करते हैं, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर के साथ तो बताता ही बताता है, उसके साथ ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका जो कंप्यूटर का जो मॉडल है, जो उसका स्ट्रक्चर है एक बेसिक, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये जो हमारा जो कंप्यूटर जो वर्क करता है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स में हम बात करते हैं मेमोरी की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की और आपके सीपीयू की। और सीपीयू के अंदर हम जानते हैं कि सीपीयू हमारा जो है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर से मिलकर के बना हुआ होता है।
ठीक है। तो वॉन न्यूमैन प्रपोज हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन इन 1945 विच वॉज लेटर नोन एज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिक मेमोरी यूनिट रजिस्टर्स एंड इनपुट आउटपुट यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस जैसा हमने बात कर चुके हैं हम इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल राइट। स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल पे जैसा कि हमने बात करी और हमने समझ भी लिया कि वो एक ही मेमोरी शेयर कर रहे हैं आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही जगह पड़े हुए हैं और एक ही डेटा के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास डेटा बस और एड्रेस बस सेम में यूज कर रहा हूं और एक समय में मैं एक ही काम करूंगा या तो मैं इंस्ट्रक्शन को ही फेच कर सकता हूं या मैं डेटा को ही रीड या राइट परफॉर्म कर सकता हूं राइट। तो यही हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल की हमने बात करी। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल वेयर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड प्रोग्राम डेटा वेयर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड प्रोग्राम डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एंड दिस डिजाइन इज स्टिल यूज इन मोस्ट कॉमन। आजकल हम जितने भी कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं वहां पर अगर हम बात करें कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है वो या वॉन न्यूमैन, तो जो भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर जो है वहां पर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है। ओके अगर हम इसका मॉडल देखें, अगर हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का अगर अपन मॉडल समझें तो इसका जो मॉडल होता है उसके अंदर ये पेरिफेरल डिवाइसेस है आपकी और इन्हीं पेरिफेरल डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और उसके साथ ही साथ हमने बात करी थी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ में रहेगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक आपका मेमोरी यूनिट रहेगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, जो जैसे आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर जैसे आपका हार्ट होता है ठीक उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्ट है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। जो कि किन किन से मिलकर के बना होता है, जो मिलकर के बना होता है रजिस्टर्स से। रजिस्टर कुछ भी नहीं होता है, रजिस्टर्स जो है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि डेटा को टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए सीपीयू में रखे जाते हैं ताकि सीपीयू की जो स्पीड है वो ज्यादा फास्ट हो सके कर सके। उसके अलावा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मान लीजिए मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस है आपका एडिंग है ऑरिंग है ना, इस तरीके के जो मुझे सेलेक्टिव और ये इस तरीके जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं वो मैं परफॉर्म करता हूँ इस यूनिट के थ्रू। और उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक यूनिट बनाई जाती है उसको मैं कहता हूँ कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही मेमोरी यूनिट है जहां पर मेरे पास एक एड्रेस और एक डेटा बस है जो कि क्या कर रहा है उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन। इस मेमोरी यूनिट में आपका एक तरफ डेटा पड़ा हुआ है और एक तरफ पड़ा हुआ है उसकी इंस्ट्रक्शंस। तो एक ही मेमोरी यूनिट जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए सेम बसेस को मैंने यहां पर यूज कर रखा है। तो ये एक बेसिक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो आपका आपका सीपीयू रहता है, उसके अलावा बसेस रहती है और आपकी मेमोरी यूनिट रहती है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि सीपीयू की बात हम डिटेल में करेंगे, बसेस की बात हम समझ लेते हैं और बस का कंसेप्ट भी मैं यहाँ पर समझा दूंगा आप लोगों को और मेमोरी यूनिट की हम बात यहाँ पर इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ट होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम का और जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं चाहे वो आपका डेटा रीड राइट का ऑपरेशन हो चाहे इंस्ट्रक्शंस रीड राइट का ऑपरेशन हो, मतलब इनपुट मुझे कुछ इनपुट चाहिए या मुझे आउटपुट देना है मुझे, या उसके अलावा मुझे किस डिवाइस को किस पेरिफेरल डिवाइस को मुझे एक्टिव करना है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से मुझे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ डील करना है, तो उसकी जो पूरी जो कंट्रोलिंग होती है वो आपकी सीपीयू के पास होती है। तो जितना भी डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितना भी टास्क होता है आपका कंप्यूटर का वो सारा का सारा ऑपरेशंस जो है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो आपका सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ये बिजली से चलने वाली डिवाइस है और ऑब्वियसली बात है ये कोई एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि आपकी बिजली से चलती है। और ये बहुत ही ज्यादा इसकी जो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम बात करते हैं कैशे मेमोरी वगैरह की स्पीड जो ज्यादा होती है रजिस्टर्स की और ज्यादा होती है स्पीड, अगर अपन इस तरीके से अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर जो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की
होने की वजह से जो इसके अंदर जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट किए जाता है, जो जितने भी प्रोग्राम्स इसमें रन होते हैं वो बहुत ही एक बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ, मतलब हम कह सकते हैं उसको, एग्जीक्यूट करता है। और उसके साथ ही साथ ये काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये हैंडल करता है। और इसके मेजर कंपोनेंट्स की जब अपन बात करते हैं सीपीयू की, तो आपका एएलयू आ जाता है जिसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होती है, और वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स की बात अपन करते हैं यहां पर। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है एएलयू, तो एएलयू के बारे में जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑपरेशन जो परफॉर्म करने होते हैं अरिथमेटिक या लॉजिक से रिलेटेड, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जोड़ बाकी गुणा भाग किसी तरह का भी कोई भी ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन में आप एंड और नॉट एक्सोर इस तरह के जो भी ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशंस या जिस तरह के भी आपके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी अगर आपको परफॉर्म करने होते हैं, तो उसके लिए जो यूनिट जो जिम्मेदार होती है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशंस। माइक्रो ऑपरेशंस एक बार मैं यहां पर, चूंकि एक बार टर्म आ चुकी है माइक्रो ऑपरेशंस, तो माइक्रो ऑपरेशंस की भी अपन यहां पर छोटी सी बात कर लेते हैं कि ऐसे ऑपरेशंस माइक्रो ऑपरेशंस किन्हें कहते हैं, ऐसे ऑपरेशंस जो कि रजिस्टर्स के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, रजिस्टर्स की मदद से जो एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस को हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस इन सिंपल वर्ड्स एएलयू अलाउज अरिथमेटिक लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट और लॉजिक एंड और नोट, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं ऑपरेशंस यहां पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं वो आपका उसके लिए एएलयू रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको मैनेज करने के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो यूनिट होती है, मेरे पास नाम से ही देखिए स्पेसिफाई होता है कंट्रोल यूनिट, जो सब कुछ कंट्रोल करके चलता हो। तो कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स लाइक एएलयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी ऑपरेशंस जहां पर भी आपके हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए कि कब इनपुट आउटपुट की बात करनी है, कब मुझे मेमोरी की बात करनी है, कब मुझे किसको या कब सीपीयू चाहेगा कि नहीं वो इंटरप्ट कर दे, वही मुझे सिर्फ अपने जो जो मैं प्रोसेस जो मैं कर रहा हूं मैं पहले उसी को कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं आपको देखूंगा। तो इन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो आपका पूरा पूरा आपका एक कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद आती है बात आपकी रजिस्टर्स की, ओके। तो रजिस्टर्स की बात करते हैं, तो रजिस्टर्स मैंने आपको कहा कि रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं, रजिस्टर्स जो है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, मतलब फ्लिप फ्लॉप आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो आपकी मेमोरी की जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो होती है जिसको हम कहते हैं बिट, और जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। तो एक बिट वो होगी या तो होगी जीरो या फिर होगी वन। तो उसको स्टोर करने के लिए जो बेसिक एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। तो रजिस्टर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कह सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं फोर बिट का रजिस्टर है या 8 बिट का रजिस्टर है या 16 बिट का रजिस्टर है या 32 बिट रजिस्टर है, तो यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि वो उतने नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करने के काम में आता है। और रजिस्टर जो है आपका सीपीयू का एक बेसिक कंपोनेंट होता है जो कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। और रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट सीपीयू के साथ इसलिए रखी जाती है ताकि वो स्पीड को जो है वो मैच कर सके, अच्छे से ज्यादा वो फास्ट उसको यूज कर सके और उसको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा सके। रजिस्टर्स रेफर टू हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द सीपीयू, द डेटा प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू आर फ्रेज्ड फ्रॉम द रजिस्टर्स। तो सीपीयू को जब भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो रजिस्टर्स की मदद से वो डेटा को लेकर के आता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जैसे एक रजिस्टर आपने नाम सुना होगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर भी एक तरह का रजिस्टर ही है जो कि क्या करता है कि जो ये बतलाता है कि आगे मुझे सीपीयू को कौन सा इंस्ट्रक्शंस मुझे फेच करना है, वो काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। जिस तरह से आपके पास स्टैक पॉइंटर, वो भी एक अपने आप में, उसके अलावा कुछ हमारे पास डेटा रजिस्टर्स होते हैं, कुछ आपके पास एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम MDR और MAR बोलते हैं, उसके अलावा प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स होते हैं। तो हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स की। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये मेमोरी का एड्रेस, यानी कि जहां पर मेरा डेटा पड़ा हुआ है उसका जो एड्रेस है,
क्या एड्रेस है, मान लीजिए आप जहां पर भी रहते हैं है ना, तो आप अपने आप में एक वेरिएबल हो गया एक तरह का, तो आप कहां किस जगह रहते हैं, तो वो आपका एक प्रॉपर एक एड्रेस होता है, आप जहां पर भी आप रहते हैं ठीक है, आपके घर का एक एड्रेस होता है कि आपको रीच किया जा सके, आप तक पहुंचा जा सके, तो उसके लिए होता है एड्रेस। एड्रेस की रिक्वायरमेंट हमारे को पड़ती है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करते हैं, दिस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी लोकेशन, ठीक है, तो ये मेमोरी लोकेशन को होल्ड करने के काम में आते हैं, जहां पर हमारा जहां से भी हमारे को डेटा लेकर के आना है तो उसका मेमोरी लोकेशन है ना, एड्रेस स्टोर करने के काम में आते हैं। एक होता है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर्स। मेमोरी डेटा रजिस्टर्स क्या करते हैं, जो एक्चुअल डेटा जो है जिसके ऊपर मुझे काम करना है ठीक है, उनको वो होल्ड करता है, उनको वो पकड़ करके रखता है, और कि भाई मुझे मेमोरी से जो जिस डेटा पे मुझे मतलब मेमोरी से मेमोरी पे मुझे ले जाना है, रीड करना है कि राइट करना है, तो वो जो जो डेटा की अगर मैं बात करूंगा तो वो डेटा को होल्ड करने के लिए जो रजिस्टर्स होंगे उनको हम बोलते हैं MDR, मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर्स। उसके अलावा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेटर क्या करता है कि अगर मान लीजिए जैसे मुझे कोई बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग अगर आप लोग जानते होंगे, जैसे मैंने लिखा ऐड बी एक असेंबली इंस्ट्रक्शन है, असेंबली लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शन है, जिसका कि मतलब होता है कि बी रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा है, बी रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा है वो उसका डेटा, बी रजिस्टर का डेटा प्लस अक्यूमुलेटर का डेटा ऐड होकर के आपका अक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट को स्टोर कर ले, इस इंस्ट्रक्शन का ये मीनिंग होता है। तो अक्यूमुलेटर तो मतलब जो भी बेसिक ऑपरेशन जब मुझे परफॉर्म करने होते हैं या तो वहां पर मेरा इस तरीके से एक अक्यूमुलेटर काम में लिया जाता है। और प्रोग्राम काउंटर, मैंने आपको बात करी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन CPU क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है, तो वो उसका जो एड्रेस जो वो रखता है वो आपका, वहां पर हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। द रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। और उसके बाद में हम बात करते हैं CIR की, जिसको हम कहते हैं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी कि अभी करंट में मैं क्या प्रोसेस को, मैं किस इंस्ट्रक्शन को मैं रीड कर रहा हूं, तो उस इंस्ट्रक्शन को जब मैं बात करता हूं तो उसके लिए जो एक रजिस्टर बनाया गया है उसको हम कहते हैं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारे आपके रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो ये कुछ जनरल रजिस्टर्स की मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ आप लोगों के साथ मैंने बात करी है। अब बात करते हैं सबसे पहले बसेस की। ओके, तो अगर देखिए बसेस की अगर मैं बात करूं तो बसेस का जो कंसेप्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट, वो हम एक बार बात कर लेते हैं उसका। देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक आपके पास, सपोज कीजिए आप जयपुर में रहते हैं और जयपुर के अंदर मान लेता हूं ये जो एक पूरा ब्लॉक है ये बिलोंग करता है एक जयपुर सिटी को, ये आपका जयपुर शहर है, और इस जयपुर शहर में आपका जो बिजली विभाग जहां से बिजली सप्लाई होती है, जो बिजली बोर्ड है, सपोज कर लेते हैं वो जयपुर के अंदर किसी एरिया में है, सपोज कर लेते हैं वो ये एरिया है आपका, ये आपका बिजली विभाग जहां से पूरे शहर को बिजली आपकी सप्लाई होती है, और मान लेते हैं अपन ये एक एरिया कोई कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए वो मानसरोवर हो सकता है या मालवीय नगर हो सकता है या प्रताप नगर हो सकता है, जो को एरिया वो कुछ भी हो सकता है, और उस एरिया के अंदर मोहल्ले डिवाइड किए हुए हैं और उसके बाद में फिर प्रॉपर एक गली है और उसके बाद में फिर आपके मकान है। अब ऑब्वियसली बात है कि हम बिजली जो है, बिजली पानी ये कुछ बेसिक आवश्यकता होती है जिनकी हर एक घर परिवार को जरूरत होती है, बिना उसके काम नहीं चलता हमारा। तो अब जब भी कोई घर बनता है तो उनको बिजली की तो रिक्वायरमेंट होगी होगी, बिजली का कनेक्शन तो सभी को लेना ही पड़ेगा। तो अब क्या हम ऐसा करते हैं कि जिनको भी बिजली की रिक्वायरमेंट होती है वो बिजली विभाग से सीधा एक वायर लेकर के आएंगे और अपने आप को घर से जोड़ लेंगे। अगर मान लीजिए इस घर को अगर बिजली की जरूरत है तो क्या वो भी ऐसे करेगा, क्या ये भी ऐसा करेगा, क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं, सोच के देखिए क्या हम ऐसा करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल है ना, हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, है ना। हम क्या अप्रोच लेते हैं, हमारे पास जो अप्रोच जो यूज करते हैं कि साहब मान लीजिए ये आपके जो घर है और ये गली में कुछ घर बने हुए हैं, एक गली है ये, और यहाँ पर क्या होता है पोल होते हैं बिजली के और वहां से कुछ लाइन जा रही होती है और जिसको कनेक्शन चाहिए होता है वो सिर्फ क्या करता है वहां से कनेक्ट कर लेता है, जिसको भी बिजली चाहिए होती है वो वहां से कनेक्शन अपना ले लेता है। तो ये एक्चुअल में जो ये कंसेप्ट है आपका बस का, ये कंसेप्ट होता है आपका बस का,
तो एक कॉमन ऐप ने एक लाइन डिवाइड कर दी और उसके बाद में जिसको भी कनेक्शन चाहिए होता तो वो ले लेगा और ऐसे भी उसके घर में बिजली आ जाएगी। अब ये अप्रोच काम में क्यों नहीं लिया जाता, जो हमने पहले जिस अप्रोच की हम बात कर रहे थे कि अगर इस घर को कनेक्शन चाहिए, मान लीजिए घर ए है, ए का घर है, या राधे श्याम का घर है, या श्याम का घर है, या कृष्ण का घर है, किसी का भी घर मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए अगर इसको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो वो एक सीधा वायर जो है वो बिजली विभाग में लिंक करेगा। ऐसा कर सकते थे तब भी उसको घर पे बिजली मिलती, लेकिन क्या हो जाता, यहां पर सोचिए ये एक गली की मैंने, एक मोहल्ले की, एक गली की मैंने कुछ 8 या 10 मकान की मैंने बात करी है। आप सोचिए अगर पूरा जयपुर शहर कितने मकान हैं और कितने फ्लैट्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, अगर सभी वो ऐसा करेंगे तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगा। अगर कभी कोई फॉल्ट हो जाएगा तो वो फॉल्ट कभी बिजली विभाग वाले नहीं पकड़ पाएंगे कि एक्चुअल में कहां पर किस जगह पर फॉल्ट हो रहा है, किस वायर की वजह से फॉल्ट हो रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत बढ़ जाती। तो इसलिए हमारे को एक बस का कॉन्सेप्ट हमारे को ईजाद करना पड़ा। और तो बस का कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों मेरी बात तो पहुंच पाए होंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में सबसे पहले हमने बात करी सीपीयू की और रजिस्टर्स की, अब हम बात करने जा रहे हैं बसेस की। तो बस आर द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ मल्टीपल रजिस्टर कॉन्फिगरेशन सिस्टम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो बसेस होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जिसको भी बिजली की जरूरत होगी, जिस घर को भी, वो क्या करेगा, सिर्फ अपना वो वायर डालेगा और वो कनेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो बसेस क्या होती है कि जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे मान लीजिए ये ए रजिस्टर है, ये बी रजिस्टर है, ये सी रजिस्टर है, ये डी रजिस्टर है, ठीक है, इस तरीके से कुछ रजिस्टर्स बने हुए हैं और इन रजिस्टर्स को मान लीजिए आपस में ही कुछ कम्युनिकेशन करना है। मान लीजिए मुझे ए और बी का डेटा जो है वो सी रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर करना है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैंने ये बस का कॉन्सेप्ट में लेकर के आया। तो सब इससे जुड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बसेस, राइट। ए बस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कॉमन लाइंस, ओके, कुछ कॉमन लाइंस होती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी कॉमन लाइंस होती है, देखिए एक होती है आपकी डेटा बस, एक होती है आपकी एड्रेस बस और एक होती है आपकी कंट्रोल बस। तीन तरह की बसेस होती है, कंट्रोल जो कि उसको कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए कि भाई उसको परमिट आपने करा है कि नहीं करा है, उस तरह का कंट्रोल, रीडर राइट के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, उसके लिए एक कंट्रोल बस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके अलावा एक एड्रेस बस जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है और ये उस कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है मेमोरी में, तो वो उसके लिए मेरे पास एड्रेस बस की रिक्वायरमेंट होती है। और जो आपका एक्चुअल डेटा जिसके ऊपर आपकी बात करनी है, जो डेटा आपका ट्रांसफर किया जाना है, उसकी हम बात वहां पर करते हैं। तो कुछ कॉमन लाइंस, डेटा, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ए बस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कॉमन लाइंस, वन फॉर ईच बिट ऑफ ए रजिस्टर थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड वन एट ए टाइम। कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन विच रजिस्टर इज सेलेक्टेड बाय द बस ड्यूरिंग ईच पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर। तो देखिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने कही है और इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि जो कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं तो रजिस्टर्स को बाउंड करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि सारे रजिस्टर एक ही समय पर जो है अपना डाटा ट्रांसफर करने लग जाएंगे, नहीं, एक समय में एक ही रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, पर ये डेटा ट्रांसफर इतना ज़्यादा फास्ट स्पीड से होता है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमारे को लगता है कि सारा काम जो है वो पैरेलली चल रहा है, एक साथ ही चल रहा है, जबकि वो वन बाय वन होता है, एक के बाद एक वो उसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो है हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ओके, तो ये बसेस की हम बात कर रहे थे। तो देखिए जैसे ये प्रोसेसर हो गया, ये आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इनपुट आउटपुट इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है और ये बस का एक कॉमन बस का एक आर्किटेक्चर यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। और उस कॉमन बस के आर्किटेक्चर में देखिए ये लिखा हुआ डेटा बस है, ये आपकी, ये आपकी एड्रेस बस है और ये आपकी कंट्रोल बस है और सारी बसेस जो है वो प्रोसेसर के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि प्रोसेसर यानी कि हम जिसको सीपीयू कहते हैं और सीपीयू से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब जिस भी डिवाइसेस को कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, जो भी आपकी इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस होती है वो इनसे भी कनेक्टेड है और आपकी मेमोरी भी कनेक्टेड है।
ठीक है। तो इस तरीके का एक सिस्टम बस का आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर आपकी एड्रेस बस होती है जो कि आपकी एड्रेस को लाने ले जाने का काम करती है। उसके अलावा डेटा, जो कि आपका डेटा कौन कौन सा आपका प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर होना या किया जाना होता है, वहां पर हम बात करते हैं। और कंट्रोल, जो कि उसको कमांड देता है सीपीयू के थ्रू कि भाई किस रजिस्टर को कब एक्टिव होना है। अगर कोई प्राइमरी मेमोरी से मान लीजिए मुझे रैम या मुझे रैम को यूज करना है, ठीक है, या कोई ऑक्सिलरी मेमोरी से मुझे कोई डेटा लेकर के आना है, कैशे का यूज करना है किस तरीके से, तो वो जितना भी है वो सारी मेमोरीज जो है वो उससे कनेक्टेड रहती है और जितनी भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो भी आपकी सारी डेटा एड्रेस और कंट्रोल बस से कनेक्ट रहती है। तो ये बात होती है आपकी बस की। और एक लास्ट जो अगर अपन बात करें कि जैसा हमने बात करी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से थे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर, तो जिसमें हमने बात करी बसेस की बात हमने कर ली, सीपीयू की हमने बात कर ली और हमने बात कर ली है रजिस्टर्स की, और अंत में हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट की हम बात करते हैं, तो मेमोरी यूनिट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स टुगेदर विद एसोसिएटेड सर्किट नीडेड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ऑफ द स्टोरेज। द मेमोरी स्टोरेज बाइनरी इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड्स। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी यूनिट इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स इट कंटेन्स एंड द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जो है, जैसे हमने बात करा जैसे रजिस्टर्स भी अपने आप एक मेमोरी है जो कि सीपीयू के साथ ही जुड़ी हुई रहती है, सीपीयू का ही एक पार्ट होती है। लेकिन ये जो मेमोरी यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट सेल्स का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है और जहाँ जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बात करें अगर हम प्राइमरी मेमोरी की, जहां जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, तो हम बात हमेशा बात कर रहे होते हैं प्राइमरी मेमोरी की। और जो प्राइमरी मेमोरी अगर जो बनती है वो बनती है आपकी दो मेमोरी से, जिनको हम जानते हैं रैम से और रो मेमोरी से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। और उसके अंदर भी हम अधिकतर जब भी हम प्राइमरी मेमोरी की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, मेमोरी की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो आशय होता है अधिकतर वो होता है हमारा रैम के साथ। ठीक है, क्योंकि रोम जो होती है वो सिर्फ आपका ये एक साथ दोनों मेमोरी एक साथ हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, रोम का सिर्फ और सिर्फ जो यूज होता है जब आप सिस्टम को जब पहली बार जब स्टार्ट करते हो, जो बूटस्ट्रैपिंग जो वहां पर होती है, तो वहां पर जो मेमोरी काम में आती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो जिम्मेदारी देती है वो होती है आपकी रोम। और एक बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में जब जिम्मेदारी आ जाती है तो वहां पर रोम का काम हो जाता है बंद। और उसके बाद में जितना भी प्रोसेस, जितना भी कंप्यूटर के बाद में आप जितनी भी मेमोरी की जब भी जो कंसिडरेबल जो मेमोरी होती है वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसकी हम बात करते हैं वो होती है आपकी रैम। ठीक है, तो ये हमने बात करी मेमोरी यूनिट की। तो ये हमने बात कर ली है कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के मुख्य मुख्य कौन कौन से घटक थे, उन सभी घटकों के बारे में हमने एक बार जान लिया है। तो हमने एक बार बात ये भी करी थी कि जो भी मॉडर्न कंप्यूटर है वो आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं और उसके अंदर जो है आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा, क्योंकि वो एक स्टोर्ड प्रोग्राम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो और उसके अंदर हम शेयर मेमोरी शो करते हैं आपके डेटा के लिए और एज वेल एज इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए हम कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं। और सो सेम बसेस आर यूज्ड टू फेच इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, बसेस की भी हमने जानकारी ले ली। दिस मीन्स सीपीयू कैन नॉट डू बोथ थिंग्स टुगेदर। तो अगर आपसे कोई बोटल नहीं पूछा जाए या एक कमी पूछी जाए या एक डिसएडवांटेज पूछा जाए या तो कि भाई वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एक बॉटल नेक बता दीजिए या डिसएडवांटेज बता दीजिए या जो भी आप इसको नाम या लिमिटेशन हम कह सकते हैं, तो क्योंकि कॉमन बसेस को यूज करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का या फिर डेटा को रीड और राइट करने का काम एक साथ नहीं कर सकता। ये इसकी एक लिमिटेशन है या बॉटल नेक है या कमी कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात हमने कर ली एक बार वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। तो उम्मीद करता हूं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का जो मेरा छोटा सा प्रयास है वो शायद आप तक जरूर पहुंचा होगा।